हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे न्यूज़ लेके आया हूँ मैं, जितने भी हमारे पीएससी वाले भाई हैं उनके लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएससी का मेडिकल जो है वो कब से स्टार्ट हो सकता है और इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, और इसकी जो ऑथेंटिक न्यूज़ है किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक न्यूज़ वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा प्रूफ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, आपको पूरा मैं डिटेल में आपको सब कुछ दिखा देता हूं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहे हैं पीएससी की जो मेडिकल है ये मई से स्टार्ट हो सकते हैं और इस ज्वाइनिंग भी लास्ट मई तक हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो अभी सिविल का जो मेडिकल चल रहा है ये 29 तारीख को जैसे ही यहाँ से ये लोग निकलते हैं तो उसके बाद जो देखा जाएगा, अभी जिसमें जो मेडिकल से बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं उसमें जो वैकेंसी बच रही है तो बहुत सारा सेंटर इसमें खाली रह जाएगा। और अदर स्टेट पे आपको मालूम होगा कि जैसे कि ये पीएससी का जो है ये तो ये अदर स्टेट पे सेंटर खरीदे गए हुए हैं, तो वहाँ पे जो सेंटर हैं अभी वो खाली हैं, उनसे बात हो चुकी है। तो अब हम लोग की जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे मई तक लास्ट तक करवा सकते हैं ये लोग, और 1 मई से स्टार्टिंग हो सकती है हम लोगों की मेडिकल की। तो आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार रखिएगा और आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि प्रूफ किस बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे आप ये पेज एक देख पा रहे होंगे कि ये जो पेज है आप इसको जूम करके अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये पीएससी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो रोल नंबर है आप रोल नंबर भी मैच कर सकते हैं, रोल नंबर भी, ठीक है। अगर आपके पास पीडीएफ जो रिजल्ट के टाइम आई थी आप उसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड करके इसको सेम टू सेम आप मैच कर सकते हैं। और जिसमें जो रैंक है वो आप यहाँ पर रैंक भी देख सकते हैं, कैटेगरी और मेरिट, पीएससी, उसका रोल नंबर, बाकी सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो ये मुझे ये जो लिस्ट मिली है ये मेरठ से मिली है, मेरठ पीएससी से, और वहाँ पर जो ये इसकी प्रोसेस है वो शायद चलने वाली है। तो आप एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं, जो सीरियल नंबर है जैसा कि 8915, 8914, तो जो डिस्ट अलग अलग बटे हुए थे सीरियल नंबर जो सबको मिला हुआ था, जैसे कि आपने अभी सिविल में भी देखा होगा जिसका मेडिकल हुआ है, तो इस तरीके से इसमें सीरियल नंबर भी मिला है। तो जो समझते हैं, जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे। तो इसके बेस पे अगर बोला जाए तो बोला जा सकता है कि हमारे जो मेडिकल है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, तो क्योंकि कुछ भी टाइम नहीं दिया जाएगा, अगर कुछ होगा तो 1-2 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने सिविल में पीछे देख चुके हैं कि 1-2 दिन पहले ही इन्फॉर्म किया गया और अचानक से इनका मेडिकल जो है वो करवा दिया गया। तो हम लोगों का जो मेडिकल है वो भी यहाँ पे अब स्टार्ट होने वाला है। आप यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे 10-50-78 लिखा हुआ है, तो मेरा जो जितना था 10-51-56 से स्टार्टिंग थे, तो ये जहाँ से मेरे रोल नंबर से आगे रोल नंबर पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉरी ये रजिस्ट्रेशन नंबर था और ये जो है ये रोल नंबर दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आपके पास अगर लिस्ट होगी जो रिजल्ट के टाइम डाउनलोड किए थे आप पीडीएफ, तो उस पर आप इसको मैच करके आप खुद देख सकते हैं। और ये जो है जिस बंदे ने मुझे भेजी है वो अपना नाम चेक कर रहा था, तो आप देख सकते हैं कि जो पेज है ये पलट के फ़ोटो खींची गई है, तो वो अपना नाम इस पर चेक कर रहा था तो उस टाइम की ये फ़ोटो उसने भेजी है, ठीक है। तो जो समझदार लोग हैं वो समझ चुके होंगे, बाकी तो कमेंट करने वाले तो लोग करते ही रहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो जो है ये 1 तारीख से हम लोगों के जो मेडिकल है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, और सभी लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।